मिरर फॉर्मूला में, जैसे हमने लेंस फॉर्मूला किया था 1 बाई एफ इज 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू, मिरर फॉर्मूला है 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू। मिरर के अंदर ये मिरर है, दो टाइप के मिरर हैं, कंकेव और कन्वेक्स मिरर है। यहाँ पे कंकेव में दो इमेजेस बनती हैं, रियल और वर्चुअल, और कन्वेक्स में एक बनती है सिर्फ वर्चुअल, जो कि लेंस में ऐसा नहीं होता था। लेंस में कन्वेक्स में दो बनती थी, कंकेव में वर्चुअल होती थी। इसमें कन्वेक्स में वर्चुअल है और कंकेव में रियल और वर्चुअल है, बिल्कुल उल्टा काम कर रहा है ये लेंस का। तब हम क्या करते हैं, इनको ड्राइव करते हैं। सबसे पहले मिरर फॉर्मूला फॉर कंकेव मिरर। कंकेव मिरर के लिए सबसे पहले इमेजिन करें, ये कंकेव मिरर है, ये आपका एक ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट का डायग्राम कैसे बनेगा इसको ध्यान से देख लें। एक रे आपने बिल्कुल सीधा पास करनी है, और जो रे बिल्कुल पैरेलल आती है वो हमेशा कहाँ से पास करेगी, फोकस में से पास करेगी। एक रे बिल्कुल पोल पे जाके हिट करवानी है, अगर आई एंगल पे हिट करेगी तो ये आर पे जाएगी, क्योंकि ये जो एक्सिस है इसका नॉर्मल हो जाएगा, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस रिफ्लेक्शन के इक्वल है। और एक रे सेंटर में से पास करनी है, और जो रे सेंटर से पास करते हैं वो मिरर के साथ 90 डिग्री एंगल बनाती है, वो नॉर्मल कहलाती है, क्योंकि सेंटर से जो पास करती हुई रे है वो तो नॉर्मल है, तो ये लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगी, मीन्स आई और आर नहीं बनेगा, आई और आर दोनों जीरो हैं, तो रे वापस रिट्रेस करेगी। तीनों जहां मिलेगी वहां पर क्या बनेगी, इमेज बनेगी। ये डायग्राम आपने ऐसे बिल्कुल भी नहीं बनाना, जैसे मैंने आपको बताया नहीं बनाना, आपने इसको ऐसे बनाना है। ये आपने मिरर लिया, ये आपने एक ऑब्जेक्ट लिया, ये आपने चलाकी से थोड़ी सी एक इमेज पहले रिट्रेस कर लिया, आपने बता दिया, आपको पता है कि यार इमेज यहाँ पर बननी है, तो इमेज बना ली। अब शुरू करो, आपने स्केल लेना है, एक रे कहाँ से पास करनी है, बिल्कुल सीधा यहाँ हिट करती हुई वो कहाँ से पास करेगी, यहाँ से, मतलब इसके टिप से पास करनी है, और यहाँ जो इसको कट करेगी वो क्या कहलाएगा, इसका फोकस। फिर आपने क्या करना है, एक रे यहाँ पे हिट करवानी है, स्केल लेके इस रे को यहाँ से पास करवाना है, ये लो ये रहा। तीसरी रे आपने स्केल लेके यहाँ से पास करवानी है, और जैसे गई वैसे के वैसे आई, इसका मतलब ये पॉइंट क्या है, इसका सेंटर। तो बन गया ऑब्जेक्ट और बन गई इसकी इमेज। तो बनाओ कॉपी में एक बार, पता होना चाहिए इमेज कैसे बनती है। बनाओ रे डायग्राम, बनाओ पहले ऑब्जेक्ट बनाओ, फिर इमेज बनाओ, इसको कंप्लीट करो। ठीक है यहाँ तक? अच्छा, इसके अंदर अब एक काम करना है, नेमिंग चेंज ही करनी है। ऑब्जेक्ट का नाम ए बी, इमेज का नाम ए डैश बी डैश, फोकस एफ, सेंटर सी, और ये पोल पी। ट्राइंगल के नाम याद ही किए हुए मैंने, तो ए बी सी और ए डैश बी डैश सी। तो इन ट्राइंगल ए बी सी और इन ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी,
हाइट अपॉन हाइट, बेस अपॉन बेस। हाइट को हाइट के साथ रेशियो लेंगे, बेस की बेस के साथ रेशियो लेंगे। तो आपकी इक्वेशन नंबर वन तैयार हो गई। इन ट्राइंगल ए बी पी, ए बी पी और इन ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी, हाइट अपॉन हाइट इज बेस अपॉन बेस, हाइट बाय हाइट बेस बाय बेस। तो आपके पास ये क्वेश्चन नंबर टू आ जाएगी। दोनों के लेफ्ट हैंड साइड बराबर हैं, दोनों के राइट हैंड साइड भी बराबर करने हैं। सारे डिस्टेंसेस कहाँ से लेने होते हैं? पोल से। लेकिन यहाँ पे डिस्टेंसेस कहाँ से लिए जा रहे हैं? सेंटर से। तो जहाँ पर सी बी है, सी बी, सी बी की जगह लिखेंगे बी पी माइनस सी पी, क्योंकि ये लिखना है पर लिखना पोल से है, तो बी पी माइनस पी सी। और जहाँ सी बी डैश है वहाँ क्या लिखेंगे? सी पी माइनस बी डैश पी। क्लियर है यहाँ तक? तो आप चेक करो, सारे डिस्टेंसेज मैंने पोल से बना लिए। और लास्ट में इम्पॉर्टेंट चीज़, इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? लेफ्ट। तो यू क्या है? नेगेटिव। इमेज कहाँ पर है? लेफ्ट। वी क्या है? नेगेटिव। आर क्या है? नेगेटिव। इस मिरर का नाम क्या है? कनकेव। कनकेव की फोकल लेंथ इज नेगेटिव, तो आर भी नेगेटिव। एफ इज इक्वल टू आर बाई टू, तो फोटो देखने की जरूरत ही नहीं मेरे को। तो एफ इज इक्वल टू आर बाई टू, तो दोनों नेगेटिव है, वह दिख भी रहा है, आर इज नेगेटिव। तो कौन सा केस चल रहा है? रियल का। रियल इमेज इस मिरर में ऑन द सेम साइड बनती है, लेंस में ऑन द ऑपोजिट साइड बनती है, इसमें ऑन द सेम साइड बनती है। उल्टा काम हो गया। तो यू भी नेगेटिव, वी भी नेगेटिव और आर भी नेगेटिव। यहाँ पे इन वैल्यूज को पुट कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, रीअरेंज करते हैं, यू वी आर से दोनों साइड्स को डिवाइड करते हैं। और यहाँ पे जो आर होता है वो टू एफ होता है, तो टू बाई आर क्या आएगा? वन बाई एफ। ये यू है, म्यू नहीं है, व्यू है। तो वन बाई वी प्लस वन बाई यू क्या आएगा? वन बाई एफ। फॉर्मूला सबको पता है, पर याद करने का क्या इसमें चीज़ है? यू भी नेगेटिव है रियल इमेज में, वी भी नेगेटिव है और आर भी नेगेटिव है, एफ भी नेगेटिव है। अब इसी के अंदर कनकेव में वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज करने से पहले एक चीज को जरा ध्यान से देख लें। कनकेव के केस में, कनकेव के केस में सबसे पहली चीज ये देखनी है कि मैं इसको पहले दिखा रहा हूं आपको, ये एक्चुअल में क्या करने की कोशिश कर रहा है। इसके अंदर कनकेव मिरर्स में, कनकेव मिरर्स में अगर आप ध्यान से देखें कि ये देखो, अगर आपके पास कनकेव मिरर है और कनकेव मिरर में दो इमेजेस बनती हैं, एक बनती है रियल और एक बनती है वर्चुअल। इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ और पोल के बीच में है, इमेज वर्चुअल बनेगी। लेकिन अगर आपका ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ पे है तो इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी। अगर आपका ऑब्जेक्ट फोकस और सेंटर के बीच में है तो इमेज आपकी रियल बनेगी और पीछे बनेगी और बड़ी बनेगी। अगर आपका ऑब्जेक्ट सेंटर पे है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, तो इमेज एग्जैक्टली सेंटर पे बनती है, रियल बनती है और इन्वर्टेड बनती है, बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। क्लियर है यहाँ तक? ये सारे केस बड़े इंपॉर्टेंट है। और अगर आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? सेंटर से थोड़ा सा लेफ्ट है, तो आपका आपकी इमेज सेंटर और फोकस के बीच में बनती है, रियल बनती है और छोटी बनती है। पहले क्या बनती थी? बड़ी बनती थी, अब क्या बनती है? छोटी बनती है। और अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे चला जाता है तो इमेज फिर फोकस पे बनती है। क्वेश्चन आता है, अगर आप अपने ऑब्जेक्ट को दूर लेके मिरर से बहुत पास है और दूर लेके जा रहे हैं तो क्या होगा? यही तो सारे केसेस हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो इमेज वर्चुअल बनती है, फोकस के ऊपर आता है तो इन्फिनिटी पे चली जाती है, फोकस के लेफ्ट पे आता है, बिल्कुल इमीडिएटली लेफ्ट पे आता है तो रियल बनती है, इमेज बड़ी बनती है। और लेफ्ट पे लेके आओ तो ये वाली इमेज यहाँ शिफ्ट होती जा रही है और सेंटर पे आ गई। फिर ऑब्जेक्ट को और पीछे लेके आओ तो इमेज राइट चली जाती है और बिल्कुल छोटी हो जाती है। और फिर बिल्कुल इन्फिनिटी पे ले जाओ तो फिर बिल्कुल फोकस पे बनती है और बहुत छोटी बन जाती है। तो जैसे जैसे आप अपने ऑब्जेक्ट को दूर लेके जाते हैं मिरर से, आपकी इमेज छोटी 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 होती जाती है और इनफाइनाइट डिस्टेंस पे फोकस पे तैयार हो जाती है। तो अब मेरे को सिर्फ ये देखना है, पहला केस मेरा क्या था? कन्वेक्स। पहला केस मेरा क्या था? कनकेव में
कौन सी इमेज है, मेरी रियल इमेज बनी थी। अब जब रियल इमेज बनी और छोटी इमेज बनी, देखो ना ऑब्जेक्ट मेरा बड़ा है, इमेज मेरी छोटी है, और इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट, जब रे डायग्राम बनेगा भूल नहीं जाना, आपका इमेज सी और एफ के बीच में बननी चाहिए कहीं पर, क्योंकि तभी वो छोटी मानी जाएगी। अगर कहीं और बन गई तो बड़ी हो जाएगी। मार्किंग बड़ी इंपॉर्टेंट है सी और एफ की, क्लियर है यहाँ तक? और अगर आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पर पड़ा हुआ है, फोकल लेंथ और पोल के बीच में, तो फिर वर्चुअल बनेगी। अब केस है फोकल लेंथ और पोल के बीच में, तो क्या बनेगी, वर्चुअल बनेगी। डायग्राम कैसे बनाना है, ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं बनाना। सबसे पहले आपने मिरर बनाना है, फिर आपने लाइन खींचनी है, फिर आपने यहाँ फोकल लेंथ मार्क कर लेनी है, फिर आपने क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट लेना है, फिर आपको ये पता है कि आपकी इमेज क्या बनने वाली है, वर्चुअल और बड़ी बनने वाली है, पहले इमेज डिज़ाइन कर लें, बात ये ख़त्म। अब स्केल लें, एक रे कैसे पास करनी है, बिल्कुल सीधी, सीधी टकरा के कहाँ से पास करेगी, फोकस से। तो आप एक काम करें, ये लाइन तो ले लें डॉटेड, इसको क्या कर दें, इसको पक्का कर दें कुछ इस तरीके से। ये देखो, इसमें थोड़ी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी मेरे को, यहाँ बना लेता हूँ मैं, थोड़ा सा बड़ी बनानी है, तो मैं क्या करूँगा, ऐसे और ऐसे, ये रे देखो ना, ये रे आई, ऐसे चलेगी डॉटेड। एक रे को मैं यहाँ हिट करूँगा, अब स्केल लेके ये लाइन डॉटेड और ये पक्की लाइन, ऐसे। एक लाइन मैं कहाँ से पास करूँगा, एक लाइन मैं यहाँ से पास करूँगा सीधी स्केल लेके, ऐसे, और जहाँ ये ऐसे रिट्रेस करेगी वो क्या माना जाएगा, इसका सेंटर, ऐसे। तो प्लीज़ अपना डायग्राम ड्रॉ करें खुद अपने हाथ से, पहले लेकिन ऑब्जेक्ट बना लें, इमेज बना लें, यहाँ का डायग्राम डॉटेड में बनाएं और यहाँ का पक्की लाइन में बनाएं, ट्राई करें। के अंदर इसे प्लीज ड्रॉ करें एक बार। नहीं करने ट्राइंगल अगेन, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए डैश बी डैश सी, वो तुम्हें याद ही है, हाइट बाय हाइट लेना, बेस बाय बेस लेना, तो ऐसी क्वेश्चन आएगी। इन ट्राइंगल ए बी पी, ए डैश बी डैश पी लेना, हाइट बाय हाइट, बेस बाय बेस करना, दोनों के फिर से लेफ्ट हैंड साइड बराबर आएंगे, दोनों के राइट भी बराबर आएंगे, डिस्टेंसेस सारे पोल से लेने हैं, पर ये दो डिस्टेंस सेंटर से है, तो अगर आपको सी बी को लिखना है तो लिखें सी पी माइनस पी बी, अगर आपको सी बी डैश लिखना है तो लिखें सी पी प्लस पी बी डैश, तो ये ऐसा बनेगा।
अब इसमें खास बात क्या है, ऑब्जेक्ट इसमें क्या है नेगेटिव, इमेज क्या है पॉजिटिव, वर्चुअल में यू नेगेटिव वी पॉजिटिव, क्योंकि मिरर कनकेव है, फोकल लेंथ नेगेटिव है, आर भी नेगेटिव है, तो इसमें फोकल लेंथ की वैल्यू और आर भी क्या आएगा नेगेटिव। सारी वैल्यूज को यहां पुट करके ये टर्म आएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, रीअरेंज करें, यू वी आर से डिवाइड करें, तो ये टर्म आएगी और रेडियस 2f होता है और आंसर तो फाइनली वही आएगा, मतलब वही सेम रूल है जो आप सिमिलर ट्राइंगल्स में लगाते हैं। और लास्ट केस है कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स में बनता ही वर्चुअल है, रियल बनता ही नहीं, और वर्चुअल जो बनता है वो छोटा बनता है, बड़ा बनता ही नहीं। तो कनकेव में तो फिर भी बड़ा छोटा बड़ा बनता है, कनकेव में बड़ा वर्चुअल बनता है, इसमें छोटा वर्चुअल बनता है। तो इसमें ये ऑब्जेक्ट है, एक रे सीधी डाइवर्जिंग है और डाइवर्जिंग फोकस से पास करेगी, एक रे नॉर्मल वापस रिट्रेस करेगी पर नॉर्मल सेंटर से पास करेगी और एक यहाँ से पास करेगी। बेटर है अगर आप ऑब्जेक्ट पहले ड्रॉ कर लें और इमेज भी पहले ड्रॉ कर लें, आपका डायग्राम स्मूथ बनेगा। ट्राइंगल वही इन ट्राइंगल ए बी सी, ए डैश बी डैश, और वही सिमिलर ट्राइंगल दोनों के दोनों लेके सिमिलैरिटी लगा के दोनों को इक्वेट करके सारे डिस्टेंसेस पोल से करके यू क्या आएगा नेगेटिव, वी क्या आएगा पॉजिटिव। इसमें यू क्या है नेगेटिव, वी क्या है पॉजिटिव। अब क्योंकि कन्वेक्स है तो फोकल लेंथ भी क्या होगी पॉजिटिव, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या होगा पॉजिटिव। तो अगर मैं यहाँ पर वैल्यूज पुट करूँ, वैल्यूज पुट करके रीअरेंज करके आंसर वही आएगा, 1/v + 1/u / 1/r। यहाँ तक क्लियर है कि कैसे करना है इसमें? ठीक,